हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आईपी सॉल्यूशन में। देखिए, बीपीएससी का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ गया है, अब बिल्कुल समय नहीं है। तो ऐसे में हम लोगों को पढ़ना ये है कि जहां से भी वन लाइनर क्वेश्चन मिले या एमसीक्यूज मिले, बस उसको कीजिए, डिटेल्स में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो ये घटना चक्र का करंट अफेयर है हमारा, और पूरा घटना चक्र का करंट अफेयर पूरे साल का हर टॉपिक का मैं एग्ज़ाम से पहले कवर करवा दूंगा। तो ये जो इससे पहले एक वीडियो हमारा आया था बिहार करंट अफेयर का, घटना चक्र का पूरे साल का, इसके बाद ये जो वीडियो है ये योजना परियोजना से संबंधित है, भारत या राज्य सरकार दोनों को सम्मिलित रूप से इसमें कवर किया गया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देंगे। और यदि आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के टेलीग्राम ग्रुप में मैं पीडीएफ को शेयर कर दूंगा, आप वहां से जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। तो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि हमने बिहार सामान्य ज्ञान का ईबुक लॉन्च कर दिया है, जो बिहार पीएससी, बिहार दारोगा, बिहार एसएससी सीजीएल, बिहार पुलिस, इन सभी एग्ज़ाम के लिए, बिहार में कोई भी एग्ज़ाम हो, सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यदि आप इसे परचेस करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के परचेस कर सकते हैं। अभी जो है ये आपको 99 रुपीज़ में मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं या इस ईमेल आईडी पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो थोड़ा सा इसको मैं स्क्रॉल करता हूँ और चलते हैं प्रश्नों की तरफ। ओके, योजना परियोजना से संबंधित इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, और वन लाइनर पॉइंट है, इसमें ज़्यादा पढ़ने में भी दिक्कत नहीं होगी, क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पे है 29 अगस्त 2019 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की। किस अभियान की शुरुआत मोदी जी ने की 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर? तो इसका सही आंसर है फिट इंडिया अभियान। ओके, फिट इंडिया अभियान। इसके बाद है, जुलाई 2019 में केंद्रीय आवासन और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा छोटे शहरों और कस्बों के लिए प्रस्तावित योजना है लाइट अर्बन रेल ट्रांजिट सिस्टम मेट्रो लाइट। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, 22 जुलाई 2019 को निजी औद्योगिक इकाइयों और कारखानों में स्थानीय लोगों हेतु नौकरियों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो ये है आंध्र प्रदेश। इसके बाद है, 3 जुलाई 2019 को भारत की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग का शुभारंभ किया गया, ये किया गया आंध्र प्रदेश में। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है सभी क्वेश्चंस। देश की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग स्थित है, ये चरलोपल्ली और रापुरु रेलवे स्टेशन के बीच में। देश की सबसे लंबी विद्युतीकृत रेल सुरंग की लंबाई कितना है? देखिए, एक ही क्वेश्चन से कई क्वेश्चन यहाँ पे बनाए गए हैं कि आपको किसी भी तरीके से प्रश्न पूछा जाए तो आप इजीली उसको कर सके। इसका सही आंसर है 6.6 किलोमीटर। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग 11.2 किलोमीटर लंबी है, ये कहाँ पे है? पीर पंजाल रेल सुरंग, जम्मू और कश्मीर में। इसके बाद इधर आते हैं, 18 जुलाई 2019 को मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा जिन दो योजनाओं का शुभारंभ किया गया वे हैं दीक्षारंभ और परामर्श। ओके, दीक्षारंभ और परामर्श, वह योजना जिसके तहत छात्रों को उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के साथ ही उन्हें संस्थान से संबंधित सभी जानकारी दी जाएगी। इसका सही आंसर है दीक्षारंभ योजना। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से उच्च शिक्षण संस्थानों को अपनी गुणवत्ता में सुधार करने में मदद प्रदान करने के लिए शुरू की गई योजना कौन सी है? तो यह है परामर्श योजना। तो परामर्श योजना और दीक्षारंभ योजना आप याद रखेंगे, इस दोनों में क्या अंतर है? 16 जुलाई 2019 तक प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के लिए समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर न करने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो ये दिल्ली, ओडिशा और तेलंगाना है। इसके बाद है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करना बंद कर दिया गया पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा। ओके, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना वर्तमान में जारी है 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का शुभारंभ रांची झारखंड में किया गया था 23 सितंबर 2018 को, प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ से इसकी शुरुआत की थी। तो चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्या है अगला प्रश्न हमारा वो देख लेते हैं। इसके बाद जो अगला प्रश्न है आप देख सकते हैं यहाँ पे, 27 जून 2019 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार
भारत नेट परियोजना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके तहत सभी पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। कब तक? मार्च 2020 तक। 30 जुलाई 2019 को संस्कृति मंत्रालय की वरिष्ठ कनिष्ठ फेलोशिप देने की योजना में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची की जिन दो भाषाओं को शामिल करने की घोषणा की गई वे कौन कौन सी भाषाएं हैं? यह है एक नेपाली और एक है संथाली। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जिन दो बड़ी योजनाओं का संयोजन है वे है स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र और राष्ट्रीय स्वास्थ्य संरक्षण योजना। इसके बाद है विश्वविद्यालय अनुदान योजना द्वारा स्ट्राइड, ओके, स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी नामक योजना को स्वीकृति प्रदान की गई शोध कार्यों को बढ़ावा देने के लिए। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? इसके बाद है अगला प्रश्न है स्ट्राइड योजना के घटक हैं 3। स्ट्राइड योजना की निगरानी के लिए यूजीसी द्वारा एक सलाहकार समिति गठित की गई जिसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर भूषण पटवर्धन। प्रोजेक्ट कनमा के तहत चेन्नई की स्कूली छात्राओं को प्रदान की जा रही सैनिटरी नेपकिन का निर्माण आवाराम ब्रांड के नाम से मशीनों द्वारा किया जा रहा है। इन मशीनों के आविष्कारक कौन हैं? इसके हैं अरुणाचलम मुरुंगनंथम इनका नाम है। इन सैनिटरी नेपकिन्स का निर्माण इरूला समुदाय की महिलाओं द्वारा किया जा रहा है, इरूला ट्राइबल वीमेंस वेलफेयर सोसाइटी के तहत। आवाराम ब्रांड के नाम से निर्मित सैनिटरी नेपकिन्स है बायोडिग्रेडेबल, ओके। मनरेगा के तहत लाभान्वित होने वाला प्रथम गैर मानव एवं प्राइमेट बना यह है गोल्डन लंगूर। सुनहरा या गोल्डन लंगूर पाया जाता है भूटान और भारत में। गोल्डन लंगूर को इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर द्वारा जारी रेड लिस्ट में शामिल किया गया, संकटग्रस्त वर्ग में इसे शामिल किया गया है। वर्ष 2017 में पश्चिम बंगाल सरकार की इस योजना को संयुक्त राष्ट्र द्वारा पुरस्कृत किया गया था। किस योजना को? इसका नाम है कन्याश्री योजना, ओके। 5 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा अहमदाबाद गुजरात में इस योजना का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना प्रभावी है 15 फरवरी 2019 से। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के लाभान्वित के लिए निर्धारित आयु जो है 18 से 40 वर्ष है। इसके लिए पात्र असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की मासिक आय कितनी होनी चाहिए? तो 15,000 रुपये या इससे कम होनी चाहिए। 20 फरवरी 2019 को केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड देश भर के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शुरू किया गया है, कक्षा 9 एवं उसके आगे तथा उच्च शिक्षा संस्थानों में। ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड का उद्देश्य क्या है? शिक्षा को गुणवत्तापूर्ण बनाने में प्रौद्योगिकी का उपयोग करना। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या है? इसके बाद है 31 मई 2019 को मोदी सरकार 2.0 की प्रथम कैबिनेट बैठक में इस स्वैच्छिक एवं अंशदान आधारित पेंशन योजना को स्वीकृति प्रदान की गई। इसका नाम है प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना में शामिल होने की आयु निर्धारित है 18 से 40 वर्ष। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर निर्धारित पेंशन दिए जाने की न्यूनतम राशि जो है वह है 3,000 रुपये। प्रधानमंत्री किसान पेंशन योजना से लाभान्वित होंगे सभी छोटे और सीमांत किसान। 31 मई 2019 को कैबिनेट की बैठक में इस योजना के दायरे में व्यापक विस्तार को स्वीकृति जो है वो प्रदान की गई, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ओके। वर्तमान में पीएम किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित हो सकेंगे सभी भूमि जोत वाले पात्र किसान परिवार। पीएम किसान योजना की औपचारिक शुरुआत की गई थी 24 फरवरी 2019 को गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। पीएम किसान योजना लागू कब हुआ? 1 दिसंबर 2018 से 8 से 12 अप्रैल 2019 के मध्य स्विट्जरलैंड के जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी का आयोजन। थोड़ा सा मैं इसको पहले स्क्रोल
स्क्रॉल करता हूँ, इसको क्लोज करते हैं इस विंडोज को। इसके बाद है, थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल करता हूँ। हाँ, इसमें WSIS अवार्ड से पुरस्कृत भारतीय योजनाएं हैं, उत्कर्ष बांग्ला और सबूज साथी योजना। अब यहाँ से चलते हैं, 26 अक्टूबर 2019 को नीली क्रांति, थोड़ा सा आप वेट करेंगे, मैं एपिक पेन को, पेन टूल को इसको ऑन करता हूँ, ऑफ हो गया है। ओके, तो देखिए यहाँ पे ये 26 अक्टूबर 2018 को नीली क्रांति मत्स्यिकी का एकीकृत विकास और प्रबंधन योजना का शुभारंभ किया गया, ये मेघालय में किया गया। उपर्युक्त योजना के तहत केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 तक मत्स्योत्पादक का लक्ष्य है, मतलब कि मछली उत्पादन का कितना लक्ष्य है, 150 लाख टन। भारत का सर्वाधिक मत्स्य उत्पादक राज्य है यह है आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल द्वितीय स्थान पर है। वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक मत्स्य उत्पादनकर्ता देश कौन सा है, तो यह है चीन, इंडोनेशिया दूसरे नंबर पर है। 18 सितंबर 2018 को कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत आच्छादित किए जाने वाले बीमित व्यक्तियों के लिए अधिकृत योजना है, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के तहत बीमित व्यक्ति को नौकरी खोने के कारण बेरोजगारी एवं नई नौकरी तलाश करने की स्थिति में नकदी सहायता प्रदान की जाएगी, जो होगी 90 दिनों की औसत कमाई का 25%। ओके, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है, इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है 13 सितंबर 2018 को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री द्वारा 10,881 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ इस कोष की शुरुआत की गई। इसका नाम है डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास कोष। 5 सितंबर 2018 को केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया सरकारी ई बाजार पर राष्ट्रीय मिशन। ओके, GEM इसका शुभारंभ कब किया गया, 9 अगस्त 2016 को। 16 जुलाई 2019 को आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा अरुणाचल प्रदेश में इस परियोजना हेतु 1600 करोड़ रुपए की पूर्व निवेश गतिविधियों पर व्यय को स्वीकृति प्रदान की गई। तो इसका सही आंसर है दिबांग बहुदेशीय परियोजना। इसके बाद यहाँ पे है 8 से 12 अप्रैल 2019 के मध्य स्विट्जरलैंड के जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्ल्ड समिट ऑन इन्फॉर्मेशन सोसाइटी का आयोजन किया गया। इसमें WSIS अवार्ड से पुरस्कृत भारतीय योजनाएं हैं, उत्कर्ष बांग्ला योजना और सबूज, ये अभी जस्ट मैंने आपको बताया। पश्चिम बंगाल सरकार की कौशल विकास प्रशिक्षण की योजना है उत्कर्ष बांग्ला। 18 श्रेणियों के 1062 नामांकनों में क्षमता निर्माण श्रेणी में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ, यह है उत्कर्ष बांग्ला योजना को। ICT एप्लीकेशन ई गवर्नमेंट श्रेणी के अंतर्गत चैंपियन परियोजना के रूप में प्रथम 5 के स्थान प्राप्त करने वाली योजना है सबूज साथी योजना। पश्चिम बंगाल सरकार की इस योजना के तहत 9 से 12, कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को साइकिल वितरित की जाती है सबूज साथी योजना के तहत। तो ये सब आप याद रखेंगे, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। चलते हैं आगे, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना स्थित है लोअर दिबांग घाटी जिले में दिबांग नदी पर, यह है अरुणाचल प्रदेश में। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना की अनुमानित पूर्णता अवधि है सरकारी मंजूरी प्राप्ति से 9 वर्ष। दिबांग परियोजना के तहत विद्युत उत्पादन का लक्ष्य है 2,880 मेगावाट। दिबांग बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत एक कंक्रीट गुरुत्व बांध का निर्माण किया जाना है, इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 278 मीटर। 21 जून 2019 को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस परियोजना का उद्घाटन किया, कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्थित है गोदावरी नदी पर। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना की अवस्थिति इस राज्य में है, यह तेलंगाना में है, जयशंकर भूपाली जिले में है ये। कालेश्वरम लिफ्ट सिंचाई परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र।
इसके बाद है मार्च 2019 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने मेसर्स चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इस परियोजना के निर्माण के लिए निवेश को मंजूरी प्रदान की गई। इसका नाम है कीरू पनबिजली परियोजना। 14 सितंबर 2018 को स्वदेश दर्शन योजना के तहत पहली जनजातीय सर्किट परियोजना का उद्घाटन किया गया, यह धमतरी छत्तीसगढ़ में। स्वदेश दर्शन योजना के तहत उद्घाटित पहली परियोजना है, यह है उत्तर पूर्व सर्किट इम्फाल और खोंगचोम। स्वदेश दर्शन योजना के तहत नियोजित एवं प्राथमिकता के आधार पर देश में विकास किया जाना है 15 विषय आधारित सर्किटों का। स्वदेश दर्शन योजना का शुभारंभ किया गया था 2014-15 में। 4 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा परिवहन गतिशीलता है तो स्वदेश निर्मित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड एक राष्ट्र एक कार्ड इसका शुभारंभ किया गया अहमदाबाद से। राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना को शुरू किया गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत। चलिए अब थोड़ा सा इसको स्क्रॉल कर लेते हैं, थोड़ा नीचे कर लेते हैं। इसके बाद है फरवरी 2019 में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी एक रणनीति योजना है उन्नति एक ऊर्जा दक्ष राष्ट्र के विकास हेतु रणनीतिक योजना। 20 दिसंबर 2018 को केंद्र सरकार द्वारा एशियाई शेरों की सुरक्षा एवं संरक्षण के उद्देश्य से इस परियोजना की शुरुआत की गई। इसका नाम है एशियाई शेर संरक्षण परियोजना। किफायती परिवहन की दिशा में सतत वैकल्पिक ईंधन प्रदान करने के उद्देश्य से 1 अक्टूबर 2018 को इस पहल का शुभारंभ किया गया। इसका नाम है सतत पहल। 28 सितंबर 2018 को रेल मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया रेल धरोहर डिजिटलीकरण परियोजना का। 17 सितंबर 2018 को केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जम्मू में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ स्मार्ट वाट प्रायोगिक परियोजना का शुभारंभ किया गया व्यापक एकीकृत सीमा प्रबंधन प्रणाली के तहत। इसके बाद है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य घोषित किया गया है हिमाचल प्रदेश को। इसके बाद यहाँ पे कीरूपन बिजली परियोजना कहाँ स्थित है, यह है चिनाब नदी पर। कीरूपन बिजली परियोजना की उपस्थिति है जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में। कीरूपन बिजली परियोजना की उत्पादन क्षमता कितनी है, 624 मेगावाट है। कीरूपन बिजली परियोजना की आधारशिला रखी गई थी 3 फरवरी 2019 को। 7 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री द्वारा नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मेट्रो परियोजना का शुभारंभ किया गया, ये इसका सेंसर है नागपुर में। धनुषकोडी के रामेश्वरम को जोड़ने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना है रामेश्वरम धनुषकोडी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन। धनुषकोडी रेलवे स्टेशन चक्रवात के कारण नष्ट हो गया वर्ष 1964 में। भारत में पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज निर्मित होगा पम्बम चैनल पे। ओके, अक्टूबर 2019 में, थोड़ा सा इसको मैं पहले स्क्रॉल करता हूँ, इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे। ओके, अक्टूबर 2018 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जिन दो मेट्रो रेल परियोजना के कार्यान्वयन को मंजूरी प्रदान की हुई है भोपाल तथा इंदौर मेट्रो रेल परियोजना। भोपाल मेट्रो रेल परियोजना की कुल लंबाई कितनी है, 27.87 किलोमीटर। इंदौर मेट्रो रेल परियोजना की लंबाई कितनी है, 31.55 किलोमीटर। भोपाल एवं इंदौर मेट्रो रेल परियोजना को पूरा करने की जिम्मेदारी है मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कंपनी लिमिटेड को। इसके बाद है यहाँ केंद्र सरकार द्वारा, यहाँ पे केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन के संदर्भ में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकर्ता राज्य घोषित किया गया हिमाचल प्रदेश को। केंद्र सरकार द्वारा इस योजना को उच्च बीमा कवर तथा ओवरड्राफ्ट को दुगुना करने की सुविधा के साथ ओपन एंडेड अर्थात कभी न बंद होने वाली योजना में परिवर्तित करने हेतु मंजूरी प्रदान की गई प्रधानमंत्री जनधन योजना को। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ चैरिटेबल धार्मिक संस्थानों से संबंधित नई योजना है, यह सेवा भोज योजना। तो ये था हमारा जो भी योजना परियोजना से संबंधित करंट अफेयर है घटना चक्र का, वो मैं लेकर आया था। तो आप यदि इस ईबुक को परचेस करना चाहते हैं बिहार सामान्य ज्ञान के ईबुक को, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर के इसे परचेस कर सकते हैं। और ये पीटी मेंस दोनों के लिए उपयोगी होगा क्योंकि इसमें जो भी टॉपिक है वो पूरे डिटेल्स में इसमें चर्चा की गई है। और इसके साथ साथ आपको 500
MCQs भी बिहार जीके का मिल जाएगा। तो अभी ये आपको 99 रुपीज़ में मिल रहा है, तो जल्दी करें इसे परचेस कर लें। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस WhatsApp नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या इस ईमेल आईडी पे भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो बस इस वीडियो में इतना ही। सो थैंक यू सो मच।